आदत नहीं है मेरी बुराई करना, पर वो लोग मेरी बुराई करने से थकते नहीं। पीठ पीछे बोलने का जज्बा है और सामने तो कुछ बकते नहीं। मेरा यही अंदाज इस मतलब इस जमाने को खलता है। ये जमीन पे अकड़ ये गुमान दिखा किसको रहे हो साहब, चार कदम पर कब्रिस्तान है, अपनी हैसियत पता किसको रहे हो। जब मुझे जिंदगी समझ आई तो मैंने अपनी मंजिल चुन ली थी। जब पता होता ना कोई किसी का नहीं है भाई, अपने दम पे या तो जो भी है। कि जब मुझे जिंदगी समझ आई तो मैंने अपनी मंजिल चुन ली थी। और आजकल चर्चा है लोगों में मेरे चुप रहने का, अरे जब बोलता तब कौन सा तुमने सुन ली थी। जब मेरे साथ थी कहती थी कि पास रहा करो, दूर जाके क्यों सता रहे हो। मुतरमा एक बात बताओ, अब डायलॉग चेंज कर लिया, नए वाले को भी ऐसे ही पागल बना रहे हो। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। आग में वो आग कहाँ जो लोगों को हमसे जलकर लगती है। पसंद थी मेरी तुम में, लगता है वो अब कहीं खो गई। तुम्हें मौसम की तरह यूं बदलते देख जाने मन, मुझे अपनी पसंद से नफरत हो गई। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूँ मेरी जान, मेरे जिंदगी का आधा हिस्सा हरामियों के साथ गुजारा है। के चलो मान लिया के डॉलर हो तुम, फूटी कोड़ी है हम, और पूछती है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। अबे आसिक हैं गुलाम थोड़ी हैं हम। वो करो जो आपका दिल करे, ये जिंदगी किसी के बाप की नहीं। मुझे कहते तुझे पता तो सब है, फिर भी इतना भोला बन के क्यों रहता है। मैंने कहा ताकि पता चल जाए कि लोग खुद को किस हद तक चलाक समझते हैं। तू क्या सोचती है कि मैं तेरे बारे में कुछ जानता नहीं, तो गलत है। क्योंकि तू जिस जिस से बैठ के बात करती है वो लोग मेरे बाजू में बैठ के तुझसे बात करते हैं। First blood. देख देख क्या माल जा रहा है। ओहो। जिस तरह तुम देखते हो दूसरों की बहनों को मत देखा करो, वरना ऐसी नजर तुम्हारी बहन को भी लग जाएगी। और अगर तुम्हें लगता है कि उसके कपड़े छोटे हैं तो अपनी नजरें नीची कर लेना, वो अपने आप ढक जाएगी। First blood. अब मुझे छोड़कर किसी और के साथ वही झूठी कसमें खाओगी। अब मुझे छोड़कर किसी और के साथ वही झूठी कसमें खाओगी। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकती, ये सब दोबारा दोहराओगी। और जरा सा भी तेरे अंदर का जमीर जिंदा है तो मेरा एक कहा मान, आईना है घर में सही से देखो, शर्म से ही मर जाओगी। ना जाने इतने अरसों बाद वो फिर से याद आई है। ना जाने इतने अरसों बाद वो फिर से याद आई है, कहीं ऐसा तो नहीं वो फिर से मेरे मोहल्ले में आई है। वो तुमसे ये नहीं पूछती मिली बाबू ने खाना खाया, तो समझ लो कि दूसरा बाबू आ चुका है और अब वो थाना था रहा है। बाबू सोना जान से अब हम आम हो गए, बेवफाई उसने की पर वफा की दुनिया में हम बदनाम हो गए। कि जिसे देखते ही पहले वो अपना मुंह बना लेती थी, हमसे अलग होने के बाद अब वही उसके जान हो गए। जो कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा वादा है उनसे, ऐसा समय लाऊंगा मजबूर हो जाओगे कहने को, जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जब टाइम नहीं मिलता तभी हेट बढ़ती है, तू ही इतना गिरता है वो तो रिप्लाई लेट करती है। और सुन, जिसकी वजह से दोस्तों को छोड़ के गया ना, वो लड़कियां हमारे साथ फोटो खिंचवाने का वेट करती हैं। बताया बीमार हूँ और मिलने चली गई बाजार से उस दिन, ऐ दोस्त इतने सही वक्त पे मुझे बाजार बुलाने के लिए तेरा शुक्रिया। जिंदगी फिर उसी मोड से शुरू करनी है जहाँ पूरा शहर अपना था और तुम अजनबी। बात तो सही है, मैं बराबरी का नहीं। हाँ हाँ, बात तो सही है, मैं बराबरी का नहीं हूँ, तुम तक पहुँचने में मुझे गिरना बहुत। जमाना जालिमों से भरा हुआ है, ये लोग इतने अच्छे नहीं जितने ये दिखा करते हैं। खैर अब छोड़ो ये बात, इन बातों में क्या रखा है, अल्लाह खुश रखे उसको। सीधा मुद्दे पर आओ और बताओ बात क्या है।
कि सीधा मुद्दे पर आओ और बताओ बात क्या है। आज मैंने शादी की बात तुमसे कर ली तो तुम मुझसे पूछ रही हो कि मेरी जात क्या है। बनाना है तो एक दोस्त ऐसा बनाओ जो तुम्हारे दिल की हर बात जान ले, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे के पीछे तुम्हारे उदास चेहरे को पहचान ले। मगरूर हम रखते नहीं और अकड़ हम किसी की सकते नहीं। आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, शहर के दरिया पार करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। पता नहीं होश में हूँ या बेहोश हूँ मैं, पर बहुत सोच समझ कर खामोश हूँ मैं। औकात आजकल लोग हमसे औकात की बात करते हैं जिनकी खुद की औकात दो कौड़ी की नहीं। बुराई ढूंढने का शौक है, शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। और अगर हिम्मत हो तो वार सीने पर करना, मैं पीठ पीछे भोकने वाला नहीं, मैं एक हमलावर खानदान हूँ। और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं हिंदुस्तानी। Thank you.